दोस्तों आज की कहानी है ननद जी। मैं सिर्फ रसोई घर में खाना बनाने के लिए नहीं बनी हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। चलो बहु रानी उठो, आज से ससुराल की रसोई का श्री गणेश करो। ये अपना शादी का जोड़ा बदल लो, नहा धोकर और आ जाओ रसोई घर में। हाँ जी दीदी, नंद राखी से कहते विषम्य करती। एक दिन की नई दुल्हन काशी उठी और नहा धो। दूसरा थोड़ा हल्का लाल रंग का जोड़ा पहन पहली। रसोई की रसम करने हेतु रसोई में आ गई बहू। सबसे पहले तो हलवा और पोहा बना दो, फिर खाने की तैयारी करना। जी खाने में क्या बनाओ? देखो मटर पनीर, सूखे आलू गोभी की सब्जी, खीरे का रायता और पूरी। ना ना, पूरी यहाँ कोई नहीं खाता, सब रोटी ही खाते हैं। तो तुम 10 लोगों के हिसाब से रोटियां तब पकाना जब सब खाने बैठे। और सुनो, थोड़ा पुलाव भी डाल लेना। सलाद तो रहेगा ही, पापड़ भी तल लेना और हरी धनिया की तीखी चटनी भी बना लेना बहु रानी। तो अब तुम संभालो अपना दूसरा घर जहां तुम्हें अधिकतर समय बिताना है। कह रखे काशी को रसोई हवाले कर चली गई। जी ठीक है, कहते काशी रसोई को आश्चर्य से देखे और रसोई उसे देख मुस्कुराए। समझ ना आए कहां से शुरू करे, इतनी सारी चीजें बनानी और ससुराल के दूसरे दिन ही। फिर उसने हलवे से शुरुआत करी और हलवा और पोहा बना सबको देख रही। ठीक है बहू, अब तुम भी वही रसोई में ही खा लो, फिर खाने में लगो। कहते हुए रखी बोली, क्या रसोई में काशी के मुंह से निकल गया? अरे नहीं बहू, रखी तो मजाक कर रही है। सुप रह रखी, तुम्हें जहां मन करे वहां बैठ कर खा लो। साई अपने कमरे में, साई रसोई में, वो हमारे यहाँ नई बहुए सब के साथ बैठकर खाना नहीं खाती। नीता जी कांसी की सास राखी को सुप कराते इशारे से बोली। काशी को अजीब लगा, खैर अपना नाश्ता ले अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राखी बोलने आई, चलो बहू अब खाने की तैयारी करो, बहुत समय लगेगा। हाँ जी दीदी, बस अभी आई। काशी ने धीरे धीरे सबसे पहले मटर पनीर, फिर आलू गोभी, रायता चटनी, पापड़ पुलाव सब बनाए। बनाते करते उसे रसोई घर में ही काफी समय बीत गया। फिर आई फुलके उतार रने की बारी। करते करते 3 घंटे हो गए रसोई घर में। उसके बाद सब के जूठे बर्तन करते काशी का सारा समय रसोई घर में ही व्यस्त रहा। सब करके वो अभी दूसरा पहर समाप्त ही हुआ था कि झट शाम का पहर आ गया और रसोई फिर मुंह सिड़ाने लगी। साई की गुहार लगने लगी। काशी ने साई के साथ नाश्ते की भी फरमाइश पूरी की।
बनाते करते रात के खाने की तैयारी भी आ गई। फिर जूठे बर्तन मुंह से डालने लगे, कांसे को सब करते रात के 11 बज गए। एक तो भारी जोड़ और ऊपर से इतनी गर्मी, अब तक काशी थक कर सूर हो चुकी थी, आंखें भी थकने लगी थी। जैसे ही सोने सली आवाज आई, बहू सलो अम्मा के पैर दबो, डेरो आशीर्वाद मिलेगा। रखे फिर थकी हुई कांसे को खींच ले गई और बिठा दिया नेताजी के पैर दबाने। कांसे सुप साप पैर दबाने लगी। सुबह तक जो मुस्कुराहट चेहरे पर थी, अब आंखें बंद होने के साथ फीकी पड़ गई थी। आंखें अब बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। थक हार कर थोड़ी देर पैर दबा कर दबी आवाज में बोली, मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या अब मैं सोने जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, जाओ। कल फिर सुबह जल्दी उठ, रसोई घर में घुसना होगा। और सुनो दीपक, कांसी के पति अभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हमारे यहाँ लड़की जब पग फेरे की रस्म कर लौट आती है, तब से पति पत्नी की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। कांसी को से सुनने के मूड में नहीं थी, तुरंत उठी और फटाफट से अपने कमरे में जा जोड़े के बोझे को खुद से हल्का किया और अपने बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही दिन भर की थकी कांसी को नींद ने अपने आगोश में ले लिया और उड़ सली सपनों की दुनिया में, जहां वो शादी का जोड़ा पहने नदी के पास अकेले खड़ी हैं, जहां वो शादी से पहले गंगा मैया के पास अक्सर ही अपना समा बिताती थी। आस पास बहुत से कबूतरों को दाना डालती। माँ बाबूजी तो बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे, मामा और मामी थे जिन्होंने उसे पाला था। उसके लिए मामा का घर ही मायका था, केवल गंगा मैया के सिवा कोई अपना सा ना था जिससे अपने मन की बात खुल कर कहे। बस पूजा के लिए फूल सुनती, रोज घंटों समय व्यतीत करती। गंगा नदी से साए जैसे भी भाव हो अपने मनोभावों को हल्का करती थी। आज भी सपनों में काशी वही पहुंच गई है, जहां वो गंगा नदी से बातें करती कहती, गंगा मैया साए आप मुझे अपने से कितनी दूर क्यों ना कर दो, मेरी सहेली तो बचपन से आप ही रही हो और रहोगी। सब बात तुमसे कहने की आदत है, मुझे तो दिन भर की सारी बात बताऊंगी तुमको, कहते आंखों से अकेलापन झलकने लगा। ऐसे सब के साथ बैठने के लिए नई बहू हूँ और रसोई में काम करने के लिए दूसरे दिन से ही बंदूक थमा दी मैया। हाथों की मेहनत भी ठीक से नहीं उतरी थी, ये लोग बहू लाए हैं या काम वाली, कहते सारे दिन का हाल बता दिया। तभी अचानक ऐसा लगा मन से बोझ उतर गया हो। अगले दिन जब राखी सब के नाश्ते खाने की फरमाइश में आलू के पराठे के लिए बोलने आई,
तब काशी तुरंत हंसते हुए बोल पड़ी, उसके लिए दीदी आपको भी मेरे साथ मदद करवानी पड़ेगी। जब मैं सब चीजों के लिए नई बहू हूँ इस घर में, तो फिर आप लोगों ने मेरे लिए ये रसोई घर क्यों एक दिन में ही पुरानी कर दी। जब सब रस्में पग फेरे के बाद शुरू होती हैं, तो रसोई घर की शुरुआत भी पग फेरे के बाद ही होनी चाहिए। उसके लिए इतनी जल्दी शुरुआत क्यों, आपको बताना चाहूंगी। मैं इस घर के लिए हूँ, मगर सिर्फ रसोई घर के लिए नहीं बनी हूँ, इसलिए पग फेरे तक मेरे साथ आपको भी मदद करवानी पड़ेगी, और पग फेरे के बाद फिर मैं किसी काम करने वाली बाई को अपनी मदद के लिए रखूंगी। चलो रहने दो, ऐसा करो सैंडविच और हल्का नाश्ता बना लेते हैं, गर्मी बहुत है। आलू के पराठे फिर कभी बनाएंगे, कहते हुए राखी फटाफट काशी के साथ नाश्ते की तैयारी कराने लगी। काशी समझती थी कि तहजीब उतनी ही दिखानी चाहिए जितनी जरूरी है, ना कि उतनी कि कोई मोम की गुड़िया ही समझ ले। पग फेरे की रस्म के बाद उसके ससुराल आने से पहले काम वाली बाई भी लग गई थी। इस बात को दीपक, नेताजी और राखी तथा उनके सभी लोगों ने समझ लिया था, क्योंकि काशी ने पहले दिन ही अपने मन की बात बोलकर सबको अपनी अहमियत भी जतला दी थी, जो उसे गंगा मैया ने दिल की आवाज के साथ कहा था कि तुम सिर्फ रसोई घर के लिए नहीं बनी हो।